धर्म लोगों को इतना प्यारा क्यों है और इसकी फैन फॉलोइंग जो है, इसके जो फॉलोअर्स है डे बाय डे इंक्रीज होते जा रहे हैं। बुराग्डनिस इस्कॉन टेम्पल चौपाटी को विजिट किया और वो वहाँ गुरु पुरुषोत्तम दास से भी मिले और इसके बारे में बुराग्डनिस ने अपने इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया है। सनातनी है और इसका ना कहते हैं ना आदि है ना अंत है ना इंतहा है ना इसकी कोई इब्तदा है। एक बंदे ने कोई बात कर दी, लोगों ने उसको ब्लैस्फेमियस रिमार्क्स समझ के जो है वो कत्ल कर दिया। आप क्या देखते हैं, इससे थोड़ा अरसा पहले आपको पता होगा एक चाइनीज को ब्लैस्फेमियस रिमार्क में हमने जो है वो पकड़ लिया था। आई थिंक सनातन इज द ओनली आंसर और मुझे ऐसा लगता है कि सनातन में जितना पेशेंस, जितना लव, जितना एक 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 दूसरे के लिए जो प्यार है ना। तो बड़े पढ़े लिखे, हाईएस्ट एजुकेशन अगर इंडिया में है तो केरला से। सही। और फिल्म बनाई जाए केरला स्टोरीज। आपका सिर्फ इंडिया का दरवाजा बंद नहीं है, भारत का दरवाजा बंद नहीं है, आपके साथ वो शेक हैंड नहीं करना चाहता। आज चाइना भी चीखा है, उनका फॉरेन मिनिस्टर भी यहाँ आके चीख रहा है कि ये डबल स्टैंडर्ड बंद करो, ये अपनी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बंद करो। देखें जी, फिलहाल तो वो हिंदुओं की तरफ ही हैं, जो अरब कंट्रीज हैं उनका झुकाव जो है वो ऑलरेडी हिंदुओं की तरफ ही है। और आप बकरे चला रहे हैं वहां पे, आप काले बकरे जो है वो एटॉमिक, आप एटम बम के आसपास काले बकरे लेकर खड़े हैं। So the beauty of Sanatan is this, that you live and you let the other person live also. हेलो, जय हिंद दोस्तों, एसपी न्यूज़ 91 में आपका स्वागत है। दोस्तों तुर्की के अभिनेता बुराक डेनिस, जो कि आप सभी लोग जानते होंगे, शिवरात्रि के मौके पर इंडिया के मंदिरों में पूजा करते हुए देखे गए, जो कि उनकी वीडियो सोशल मीडिया पर भी बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है। अब जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान को कहीं ना कहीं सकते में है, क्योंकि पाकिस्तान भारत के अंदर अगर कुछ भी होता है तो उसको जलस, यानी कि जो जलना है उसका, जो उसकी जहालत है वो सामने निकल कर आती ही है। अब पाकिस्तानी मीडिया तरह तरह की बातें बना रहा है, पाकिस्तान के अंदर अगर एक चींटी भी मरती है तो कसूर सिर्फ और सिर्फ भारत का होता है, कुछ ऐसा मतलब उसने अपनी सोच बना ली है भारत के प्रति। अब पाकिस्तान आज इसीलिए दुखी है क्योंकि उसने स्कूल कॉलेज बंद करके सिर्फ और सिर्फ मदरसे छाप पढ़ाई का साथ दिया और मदरसे छाप पढ़ाई ही पढ़ी, यानी कि एक टाइम था जब स्कूल कॉलेज हुआ करते थे पाकिस्तान में, लेकिन उन्हें तो कर दिया बंद और मदरसों का निर्माण करके वहाँ पर जो बच्चे थे वो मदरसों की पढ़ाई पढ़ी और उन मदरसों में उन्हें सिर्फ और सिर्फ जहालत सिखाई गई। बिलावल भुट्टो की बहन भी अभी पिछले उसमें चर्चाओं में थी कि शादी करके तुरंत शिवजी के मंदिर में पहुंची, तब भी पाकिस्तान वालों ने खूब उड़ाया कि इसने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया, ये है वो है, बहुत सारी बातें कही, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। अब बुराक डेनिस जो अभिनेता हैं उनके ऊपर पाकिस्तानी जो मीडिया है क्या रिएक्शन देती है, क्या बातें कर रही है, सब कुछ इस वीडियो में जानेंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखेगा। तो आइए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद, हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों तुर्की के मशहूर अभिनेता बुराक डेनिस पहली बार भारत आए, उन्होंने भारत आकर काफी एंजॉय किया, उन्होंने अनिल कपूर और आदित्य राय की खूब तारीफ की, उन्होंने इनके साथ एक शो भी अटेंड किया जिसमें वो काफी खुश नजर आ रहे थे। बुराक डेनिस ने इंस्टाग्राम पर अपनी विजिट के फोटो शेयर करते हुए लिखा, इंडिया इट वॉज एक्सलेंट एक्सपीरियंस, थैंक यू। बुराक डेनिस मुंबई के इस्कॉन मंदिर भी गए, एक्टर ने इस्कॉन मंदिर में पूजा की और फोटो भी शेयर किए। बुराक डेनिस जब मंदिर गए तो काफी खुश नजर आ रहे थे और उन्होंने भारतीय संस्कृति को सराहा। एक्टर बुराक डेनिस के इंडिया विजिट के बाद वो और उनके फैंस काफी खुश नजर आए और कमेंट्स के जरिए उन्होंने एक्टर की खूब तारीफ की। एक इंटरव्यू के दौरान बुराक डेनिस ने इंडिया के कल्चर की खूब तारीफ की और भारत के कल्चर के साथ साथ उन्होंने यहाँ के लोगों को भी खूब सराहा, क्योंकि बुराक डेनिस अपनी विजिट के दौरान मंदिर भी गए और उन्होंने पूजा भी की। इस पर पाकिस्तानी मीडिया को मिर्ची लगी हुई है। सनातन धर्म के बारे में मैं आपसे जानना चाहती हूँ, क्योंकि अभी आप जो है एक सनातनी हैं और इसका ना कहते हैं ना आदि है ना अंत है ना इंतहा है ना इसकी कोई इब्तदा है, लेकिन उसके बाद भी सनातन धर्म लोगों को इतना प्यारा क्यों है और इसकी फैन फॉलोइंग जो है, इसके जो फॉलोअर्स है डे बाय डे इंक्रीज होते जा रहे हैं, तो मैं आपसे समझना चाहूंगी ऐसा क्यों हो रहा है। मैं ये कहूंगी कि सनातन धर्म जो एक है, इट्स अ वेरी लिबरल, एक लिबरल आउटलुक है। तो आप अगर देखेंगे कि हम इंडियंस तो हैं ही, हम सनातनी तो हैं ही, लेकिन अगर आप आउट ऑफ इंडिया देखेंगे बहुत सारे लोग इसको अपना रहे हैं बिकॉज ऑफ द फिलॉसफी, जो इसकी जो एक्चुअली एक कोर है ना, ये बहुत ज्यादा एक यू नो इट्स वेरी स्पिरिचुअल। बहुत ज्यादा सनातनी लोग अगर आप देखेंगे, अगर आपने तो बहुतों को इंटरव्यू भी किया होगा, आपने देखा भी होगा, इनमें एक 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 ठहराव सा है। सो इट इज वेरी वेरी लाइक यू नो पीपल लव दैट,
अभी आज की दुनिया आप देखिए कितना ज्यादा एवरीवेयर जो जो कोहराम मचा हुआ है, जिस तरीके से लोग लेकिन दे आर सो नॉट पीसफुल, बिल्कुल पीस जैसी चीज एक्चुअली ढूंढनी पड़ती है आजकल की लाइफ में. तो आई थिंक सनातन इज द ओनली आंसर. और मुझे ऐसा लगता है कि सनातन में जितना पेशेंस, जितना लव, जितना एक 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 दूसरे के लिए जो प्यार है ना, मतलब ऐसा अब जाके अगर आप देखो तो थोड़े सनातनी लोग भी थोड़े से यू नो समझने लग गए हैं दैट दे आर टेकिंग, दे हैव बीन टेकन फॉर ग्रांटेड. अब ऐसा हो रहा है, अदरवाइज सनातन इज सच अ पीसफुल एंड सच अ मतलब एक इंटीमेट दिस विद गॉड है. कोई जरूरी नहीं है कि जो मैं मानती हूँ वो दूसरा अगला इंसान माने, ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है. सो द ब्यूटी ऑफ सनातन इज दिस दैट यू लिव एंड यू लेट द अदर पर्सन लिव ऑल्सो. इसीलिए ये इतना ज्यादा लोगों के साथ में वो हो रहा है, यू नो एवरीबॉडी इज गेटिंग अट्रैक्टेड टुवर्ड्स इट. ये भी जैसे आपने कहा कि हर एक को प्यारा है और वो उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, उसको फॉलो कर रहा है. लेकिन मैंने आपके ही शो पे बहुत पढ़े पढ़े लिखे लोग देखे हैं, स्पेशली महिलाएं जो कि कहती हैं कि हम कट्टर हिंदू हैं. तो मेरे नज़दीक तो कट्टरता एक खतरे की अलामत है. किसी भी चीज़ को कट्टर नहीं होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए. तो आप इस मामले को कैसे देखते हैं? हर यही दूसरा तीसरा बोलता है कि मैं कट्टर हिंदू हूँ, मैं कट्टर हिंदू. तो ये कट्टरता कितनी सही रहेगी और कितने नुकसान हो सकते हैं इससे? मैं ऐसे सोचती हूँ शायला के कट्टरता कब आई है, कब आई है हिंदुस्तान में? अगर आप देखने जाओ तो हमारे जो हमारे मुल्क में जितना लोग बाहर से लोग आकर जिन्होंने यहाँ पर राज किया, स्पेशली द मुगल्स एंड ब्रिटिशर्स, आप देखिए मतलब कहाँ थी तब कट्टरता? नहीं थी ना. इसीलिए वी लेट अदर पीपल कम इन. अदरवाइज अगर सनातनी लोग कट्टर होते उस वक्त, तो क्या ये हैंडफुल लोग हमारे देश को चलाते या हैंडफुल लोग हमारे देश में आके राज करते? या फिर इवन इफ यू सी द ब्रिटिशर्स, उनकी क्या हिम्मत होती कि वो आके हमारे कंट्री में कुछ कर पाते? तो द थिंग इज दैट कि कहीं पर जाकर एक हिंदू जाग गया है. मैं ये नहीं कहती हूँ कि कट्टरता बहुत अच्छी चीज है, लेकिन कट्टरता you have to have you know you have to know ki you can't be taken granted every time. लेकिन इसको इतना एक super sensitive मसला बना दिया गया है. और मैं यहां पर एक मैं ये बात करना चाहूंगा, एक केस का रेफरेंस भी देना चाहूंगा आपको चीमा साहब. माजी में एक बैंक मैनेजर को उसके गार्ड ने गोली मार दी थी, तो बाद में उसने उसको एक्यूज किया था कि ये रिसालते रसूल के ऊपर इसने अटैक किया था, लेकिन बाद में वो प्रूव हुआ था कि उसकी जाती दुश्मनी थी या जाती अदावत थी उसके साथ. लेकिन मेरा दुख इस बात पे है कि आज मेरी मादरे मिल्लत को एक और ठेस पहुंची है. आज मेरे मादरे मिल्लत को एक और ठेस इसलिए पहुंची है कि दुनिया देख रही है कि यहां क्या पक रहा है, किस डायरेक्शन पे जा रहे हैं. वो दरवाजे बंद, पहले ही आपका दरवाजा कोई भी नहीं खुला इस वक्त. आपका सिर्फ इंडिया का दरवाजा बंद नहीं है, भारत का दरवाजा बंद नहीं है. आपके साथ वो शेक हैंड नहीं करना चाहता. आज चाइना भी चीखा है, उनका उनका फॉरेन मिनिस्टर भी यहां आके चीख रहा है कि ये डबल स्टैंडर्ड बंद करो, ये अपनी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बंद करो, हमारे पैसों के जो पीजे बनाए हैं, जो सारा कुछ किया है, उनको भी कुछ ठीक करो, कुछ तरस करो हम पे ऊपर. वो चीखे आके. और आज इन सरकार अमेरिका ने तो वैसे ही, मैंने आपको कई दफा अर्ज किया है, अमेरिका अब आपसे बात करेगा भारत से इजाजत लेकर. तो आप देख सकते हैं कि अमेरिका आपका आपके साथ कितना अच्छा चल रहा है. हाँ, $30,000 महीने का अगर आप CIA चीफ स्टेशन चीफ हायर कर लें तो वो चंद लोगों की ट्वीट्स करा सकता है, इससे ज्यादा आगे नहीं जा सकता. अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी का आप हिस्सा नहीं है. यू हैव बिकम इररेलीवेंट, इररेलीवेंट. अब बल्कि इररेलीवेंट नहीं है, क्वेश्चन मार्क है उनके अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी के ऊपर. सबसे बड़ा दाग इस वक्त फॉल ऑफ काबुल है, बल्कि वो ये समझते हैं इस वक्त रिपब्लिकन खासकर कि उस फॉल ऑफ काबुल में आपने उनको धक्के दिए, आप एक बायस बने, आपने उनको धोखा दिया है, आपने उनको बैक स्टैब किया है. तो इन सर्कमस्टांस अंडर गिवन सर्कमस्टांसिस आप देख रहे हैं कि आप कहां जाएंगे. मैं समझता हूं उन चंद पाकिस्तानियों में से जो ख्वाहिश करता है जो कहता है डिजिटल पाकिस्तान बने, जो ये चाहता है कि वहां के बच्चे आगे इंटरनेट पे जाएं, आगे इंटरनेशनल ट्रेड पे जाएं, ऑनलाइन बिजनेस करें, कारोबार करें, इंग्लिश सीखें, पाकिस्तान के अंदर दोबारा इंग्लिश चैनल बने, पाकिस्तान के अंदर इंग्लिश न्यूज़पेपर चले और बच्चे पढ़े, और पाकिस्तान के अंदर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जैसे इंस्टीट्यूट बने.
कैसी लगी प्लीज कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा ताकि भविष्य में हम जैसे ही कोई वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक देखने के लिए